कोरोना संक्रमण की जिसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत हर दिन दुनिया में बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया मुल्क इसके शिकंजे में आता जा रहा है। सिर्फ 10 दिन में कोरोना वायरस का यह नया रूप दुनिया के 36 देशों में फैल चुका है। तस्वीरें आपके यहां पर हैं, देखें जरा ध्यान से। साउथ अफ्रीका, यूके, घाना, बोत्सवाना, नीदरलैंड, आंकड़े देखें किस तरीके से बढ़ रहे हैं। डेनमार्क की अगर बात की जाए, पुर्तगाल, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ 10 दिन के अंदर यह हाल है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक प्रारंभिक अध्ययन से पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है और क्यों। इस अध्ययन में बताया गया है कि डेल्टा या बीटा स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण होने की संभावना 3 गुना ज्यादा अधिक है। दक्षिण की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, नॉर्वे की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, भारत, लेकिन जो सस्पेक्टेड केसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर आ सकते हैं, हमें ऊपर ला सकते हैं। लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर जितनी चिंताएं उतना ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या डर के इस खेल के पीछे वैक्सीन कंपनियों का नेक्सस है? क्या WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताने में जल्दबाजी की? ये वो सवाल है जो हमारे सामने। इन सारे सवालों के जवाब आपको तथ्यों दावों के आधार पर हम बताएंगे, और बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ओमिक्रॉन की हिंदुस्तान में एंट्री की पुष्टि हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में रहे 6 लोग भी पॉजिटिव आए। राजस्थान में साउथ अफ्रीका से जयपुर लौटे 1 परिवार के 4 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में राज्य में कुल 28 संदिग्ध, अकेले मुंबई में 10 संदिग्ध। गुजरात में जिम्बाब्वे से जामनगर लौटे 72 साल के एक बुजुर्ग संक्रमित हैं। दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल के ओमिक्रॉन वार्ड में 12 संदिग्ध भर्ती। चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। हैदराबाद में ब्रिटेन से आई एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। तमिलनाडु में सिंगापुर से तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री संक्रमित मिला है। एक के बाद एक विदेश से आए लोग या उनके संपर्क में आए लोग संक्रमित पाए जाने से वाजिब है टेंशन बनना।